जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष 3,500 कुंटल गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित किया गया है। अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 3,500 कुंटल गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों से संपर्क करके उनके घर से ही गेहूं की खरीदारी शुरू करें, जिससे यदि किसी किसान के पास ज़्यादा मात्रा में गेहूं है तो घर से ही गेहूं की खरीदारी की जा सके। उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई क्रय केंद्र पर ही गेहूं की बिक्री करें और उसका उचित मूल्य प्राप्त करें। आप किसी बिचौलिए के बीच में ना पड़ें। यदि कहीं किसी तरह की समस्या आती है तो तत्काल टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, गेहूं खरीद के लिए हमारा अंतिम दिवस 15 जून निर्धारित है और अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 3,500 क्विंटल मीट्रिक टन की गेहूं खरीद हो चुकी है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों से संपर्क करके उनके घर से भी गेहूं खरीद करें, ताकि यदि किसी किसान के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है तो उनके घर से भी हमारे क्रय केंद्र जाके गेहूं को ले आएंगे। किसानों से अपील यही रहेगी कि सरकारी क्रय केंद्रों पर अपने गेहूं को बेचकर अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें और कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल टोल फ्री नंबर और शिकायती नंबरों पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।